तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए खास है जो लोग टेम्पो ट्रैवलर ऑनलाइन बुक करते हैं या कोई भी गाड़ी ऑनलाइन बुक करते हैं व्हीकल रेंटल के लिए स्पेशली। लेकिन टेम्पो ट्रैवलर्स के अंदर जो है वो बात ज़्यादा आ रही है सामने। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है, अवेयरनेस वीडियो है उन लोगों के लिए जो गाड़ियाँ हायर करते हैं। आजकल दिल्ली के अंदर या ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं बुकिंग के नाम पे, गाड़ियों की बुकिंग के नाम पे। तो इन लोगों से बचने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे को रोज़ कॉल्स आते हैं दिन में रात में। जब लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं तो लोग फ़ोन करते हैं दूसरी गाड़ी हायर करने के लिए, तो वहाँ से पता लगता है कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर आजकल क्या चल रहा है, कुछ दिनों से ये नोटिस कर रहे हैं कि कुछ लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से बुकिंग के नाम पे, लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो अब ये लोग फंसाते कैसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये लोग रेट देंगे, रेट बहुत ही कम देंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 50,000 का टूर का रेट है, कोई कंपनी 50,000 का टूर कर रही है, तो ये लोग उसी टूर को आपको जो रेट देंगे वो 30,000 से 35,000 के आसपास का दे देंगे। तो वहीं पे कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है कि यार सस्ता मिल रहा है फटाफट कर लो, क्योंकि सब जगह तो 50 बोल रहे हैं, कोई 48 बोल रहा है, तो लोग यहाँ पर आके फंस जाते हैं इनके पास। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है, ये लोग आपको इंटरनेट पे कैसे मिलते हैं, आप इन तक कैसे पहुंचते हो। क्योंकि जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो वहाँ पे ना सर्चिज के अंदर सबसे टॉप में ना ऐड चलती है, सर्च इंजन के अंदर सबसे टॉप में ना ऐड चलती हैं, जो जिसके ऊपर ना ऐड लिखा होता है। तो आपको वहीं से ये लोग पकड़ते हैं, आप वहीं से इनके पास जाते हो। ये लोग क्या करते हैं, पैसे दे के एक पेज की वेबसाइट इनकी होती है, सिर्फ एक ही पेज होता है जो वहाँ पे डिस्प्ले होता है, जिसमें सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ डालते हैं अपनी, उसी को उठा के ये इंटरनेट पे सर्च इंजन में डाल देते हैं। सर्च इंजन में डालने के बाद वहाँ पे ऐड के अंदर ये पैसे लगाते हैं, पैसे लगाते ही इनकी ऐड जो है सबसे टॉप में दिखनी शुरू हो जाती है, और वहीं से आप लोग इन तक पहुँच जाते हो। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, इनकी वेबसाइट ओपन होती है, आप इनको कॉल कर लेते हो, ये सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो वहीं से आपको आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट दिख रही है लिस्टिंग, इसका और भी कुछ इंटरनेट पे है या खाली बस एक यही पेज चल रहा है इसका, कुछ फेसबुक का प्रोफाइल होगा इसका, कुछ गूगल वेरीफाई ऊपर जो आता है लोकल लिस्टिंग, वो हमेशा चेक किया करो कि लोकल लिस्टिंग है इसकी या नहीं है, गूगल वेरीफाई करता है उस चीज़ को, तो वो चीज़ का आप जो है ध्यान रखो। दूसरी बात ये है कि जब आप इन तक पहुंच गए, सबसे पहले इनसे अपनी उनकी ऑफ़िस की लोकेशन मांगो कि भैया अपनी ऑफ़िस की लोकेशन भेजो। ये लोग ऑफ़िस की लोकेशन नहीं भेजते हैं, और ये दिल्ली में अलग अलग जगह से ऑपरेट करते हैं, इनके एड्रेसेस अलग अलग जगह के होते हैं, कोई साउथ दिल्ली का है, कोई रोहिणी का है, कोई पहाड़गंज का है, कोई नारायणा का है, कोई कहाँ का है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर तो आप दिल्ली के हो तो प्लीज़ वेरीफाई कर लिया करो, ऑफ़िस जाके देख लिया करो। अगर कोई दिल्ली से बाहर से भाई लोग कोई वैन बुक करती है या कोई भी सवारी बुक करती है, तो प्लीज़ उसको ऑनलाइन इंटरनेट पे ज़रूर वेरीफाई करो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही उसके अकाउंट में कोई बुकिंग अमाउंट डालो आप। मैं आपको ये बता दूँ, अब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो लोग आके यहाँ बताते हैं कि वो कैसे इनसे व्हाट्सएप पे जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं। सबसे पहले आपको रेट कम देंगे वो, उसके बाद जो फॉर्मेटिंग होगी उनकी, वो खाली एक जस्ट आपको गाड़ी का नाम, जैसे 12 सीटर टेम्पो ट्रैवलर इतने हज़ार का, पर इतना लिख के देते हैं। उसके बाद उसके नीचे उनका अपना आधार कार्ड भी दे देते हैं, पैन कार्ड भी दे देते हैं, और एक ना स्लिप बना के देते हैं बुकिंग अमाउंट की, जिसके ऊपर सारा डिटेल होती है क्या अमाउंट हमारा जो है वो डिस्कस हुआ है। तो वो चीज़ सारी व्हाट्सएप पे लिख के देते हैं। ड्राइवर का लाइसेंस तक भी ये पहले ही दे देते हैं, अगर किसी का ट्रस्ट नहीं बन रहा है उससे मांगोगे तो वो भी आपको दे देंगे। फ़ोटोज़ वोटो सब भेजते हैं गाड़ी की है। तो आपको बड़े ही ध्यान से अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई बुकिंग करें, थोड़ा वेरीफाई कर लें कि ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है कहीं पर या नहीं कर रही है। तो बहुत ही ध्यान से आप ऑनलाइन ये बुकिंग करिए, अच्छी कंपनीज़ भी हैं उनको वेरीफाई करिए, वहाँ से आप गाड़ी बुक करिए,
तो ऐसे लोगों से बच के बड़े ध्यान से आप चलिए। थैंक यू सो मच।